नमस्कार दोस्तों, MyKiRasoiSo.com में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो कोई डिश तो नहीं है, पर बहुत सारी स्वीट डिश में इसका यूज़ होता है। आज हम बनाएंगे अंगूरी आटा। अंगूरी आटा मतलब कि अंकुरित गेहूं से तैयार किया गया आटा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो अंगूरी आटा बनाने के लिए हम ये गेहूँ, जो नॉर्मल कोई भी गेहूं हम लोग यूज़ करते हैं आटा बनाने के लिए, वही गेहूं है, उसे साफ़ करके धो के 6 घंटे पहले हम इसे भिगो लिए थे। 6 घंटे बाद अब हम इसका पानी यहाँ निथार लिए हैं। इसे हमें क्या करना है कि इस बस बर्तन में ऐसे पलट लेंगे और कवर कर देंगे किसी भी मोटी ऐसे हैंड टॉवल से। इसे कवर कर देंगे, हल्का सा इसके ऊपर हम पानी छिड़क दें ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि इसे अंकुरित होने में 2-3 दिन का समय लगेगा, तो इसमें प्रॉपर अंकुर निकलने चाहिए। इसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि 3 दिनों के टाइम ड्यूरेशन में हम जब भी ये टॉवल सूख जाएगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है स्प्रिंकल कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके नीचे अच्छे से अंकुर निकलते हैं और धीरे धीरे वो 3 दिन में काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो इसे ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, फिर हम जब अंकुरित हो जाएंगे फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगे। दोस्तों, 1 दिन के बाद हम चेक कर लेते हैं गेहूँ। ये देखिए, इसके इतने बड़े बड़े अंकुर हो गए हैं। ये परसों तक में, मतलब 3 दिन में लगभग काफ़ी अच्छे अंकुर हो जाएंगे इसके। तो इसे हम ऐसे ही ढक के रख देंगे और हल्का कपड़ा गीला ही रहना चाहिए। जब लगे कि ऐसा सूख रहा है तो हल्का सा पानी का इस पर हम छिट्टा मार देंगे। दोस्तों, गेहूं को भिगोए हुए हमें 36 घंटे हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर इसके अंकुर आ गए हैं। हल्का सूखा हुआ लग रहा है, बीच में हम एक बार पानी डाले थे जबकि, तो इसको फिर से हम कवर करके और ऊपर से फिर से थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे। इसको फिर से ऐसे ही रख देते हैं। तो दोस्तों, 2 दिन हो गए हम चेक कर ले रहे हैं हमारा गेहूं कितना अंकुरित हुआ है। काफ़ी हद तक इसके अंकुर आ गए हैं। 1 दिन हम इसे और रखेंगे और उसके बाद फिर इसे सुखा कर इसका आटा तैयार करेंगे। तो इसे फिर से ढक के रख देते हैं और थोड़ा सा इस पर पानी हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि नमी बनी रहे, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों, 3 दिन हो चुके हैं हम गेहूं अपना चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए, कितने बढ़िया इसमें अंकुर आ गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हमें इसे धूप में सुखाना है। कड़ी धूप में 2 से 3 दिन आपको अच्छी तरीके से इसे सुखा देना है। जब ये सूख जाएगा फिर हम इसका पीस कर आटा बना लेंगे और वही होगा अंगूरी आटा या फिर समनक। तो इसे ऐसे खोल लें जो आपस में जॉइंट हो गए हैं कुछ। और कोई भी ऐसी ट्रे लें, इसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाएंगे और इसे धूप में अच्छी सी पतली परत गेहूं के लगाकर धूप में अच्छा सा इसको कड़क सुखाना है। दोस्तों, ये देखिए, 3 दिन सूखने के बाद कड़ी धूप में सुखा दिया ऐसे अंकुरित हमारे जो गेहूं थे वो ऐसे तैयार हो गए हैं, एकदम अच्छी तरीके से सूख गए हैं। अब हम इसे इसका एक कोर्स पाउडर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर आप आटे का हलवा बनाते हैं, तो इस अंगूरी आटा तैयार करके इसका हलवा बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और सोहन हलवा भी इससे तैयार किया जाता है। तो हम इसे पीस लेते हैं। इसे हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ गेहूं है उसे भी पीस लेते हैं।
लीजिए दोस्तों, तैयार हो गया अंगूरी आटा। इसे बनाना आसान है लेकिन ये बहुत ही सेहतमंद है, तो आप भी इसे बनाइए और इसके साथ सोहन हलवा बनाइए या फिर सिंपली अंगूरी आटे का हलवा बनाइए। तो दोस्तों ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने सुझाव और फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और हैप्पी कुकिंग।